नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। श्योपुर के ग्राम जेदा में खेत पर जाने वाले रास्ते को दबंगों ने किया बंद। श्योपुर जिले के ग्राम जेदा में दबंगों ने खेत पर जाने वाले रास्ते पर पत्थर डालकर उसको बंद कर दिया। जब किसानों ने उसका विरोध किया तो दबंगों ने वह जमीन अपनी बताई। वहीं किसानों का कहना है कि कम से कम वह 30 से 40 सालों से इसी रास्ते से अपने खेत पर आते जाते हैं, तभी दबंगों ने इस रास्ते को अपना बताते हुए उसे पर पत्थर डाल दिए और रास्ता पूरी तरीके से बंद कर दिया। किसानों ने इसकी शिकायत जन सुनवाई में पहुंचकर कलेक्टर महोदय से की। वही कलेक्टर ने उनको आश्वासन दिया है कि जल्दी ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। वही किसान परेशान है कि वह अपने खेत पर ट्रैक्टर कैसे ले जाएं, क्योंकि जमीन अब फसल के लिए तैयार है। आइए जानते हैं सोनू बेरवा और राधे श्याम बेरवा ने क्या कहा। श्योपुर से संवाददाता नौशाद अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। जन सुनवाई में आपने आवेदन दिया है तो क्या आश्वासन मिला आपको? सर, उसने बोले कलेक्टर साहब ने, तीन चार दिन पहले हम आवेदन दे आए थे, जो उन्होंने की हम मौका देखेंगे, जब जाके सोलूशन करेंगे कोई बात का। जाएगा मामला है ये ग्राम पंचायत जेदा का सर, राजू गांधी बगल के स्कूल बगल से। सर वो तो पूरे साल से खाली पड़ा था, उससे निकल रहे थे। अभी प्लॉटिंग कट गई, जो उन लोगों ने डंडा कर दिया साइड में, और जो बीच का रास्ता जो यूके रहे हमने खरीद रखी है। किसने खरीदी? गिरिराज राठौर ने। सर हमारी जेदा में जमीन है सर, पांच लोगों की जमीन है, वो पांचों उसी राजू गांधी के बगल से जो रास्ता था सैड और कांकड़ की जमीन है, पिछापरा और जेदे का 35 और 40 सालों से उसमें से निकलते हुए आ रहे हैं, और वो रास्ते की जगह उसमें रास्ते में पत्थर डाल के बंद कर दिया गया है, और पांचों किसान बंद है, और अभी काश्तकारी के टाइम में निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है। एक ही तरफ अनाज मंडी, एक तरफ गोदाम बनी हुई है, बगल से राजू गांधी बनी हुई है, रोड पे जाने का एक ही रास्ता है, उसी रास्ते के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अभी आपने कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई में आवेदन दिया है, तो क्या मांग, क्या कहा आश्वासन, क्या आश्वासन मिला? कलेक्टर साहब से ये मांगे कि हमको रास्ता दिलाया जाए, कहीं से होके ट्रैक्टर के लिए आने जाने के लिए काश्तकारी कर सके, हम इसके लिए रास्ता दिलाया जाए।